much धूप आउटसाइड वी आर बर्निंग धूप में वैसे शक्ल बहुत अच्छी आती है इंसान की क्या जी क्या हाल है सुपर लॉन्ग टाइम वी डोंट सी यू व्हाट हैपेंड वेयर आर यू वेयर आर यू वेयर आर मी यस आई एम ऑलमोस्ट डाई यस्टरडे ओह माय गॉड यू डोंट नो आई नो पर आप इतनी ऊपर चढ़ के बर्गर क्यों बना रही हैं ये देखें गाइस दहाई दे रहे हैं गाइस ये देखें गाइस ये अब ये ना तरबूज खा ली कुछ होएगा तो नहीं बर्गर एक बहुत है कि और मरियम तुम बर्गर एक और बना दा कि नहीं तरबूज तो बाद उची बोल बेटा कोई यदि परेशानी है गल दी तरबूज खा रहा फिर गर्म है हां अब ले आओ भी और की चीज बनाई दे खाने से बोल ले बंदा का पुत्र ए बड़े हाथ यार पढ़ दे चिट्टी पढ़ो चिट्टी अब चिट्टी आ चिट्टी रोज लंबी जा रही है पढ़ो घर अंदर भी चिट्टी अच्छा बच्चे कैमरा सामने है तो मरियम सिट्टा खा रही तेम पर तीनों की प्रॉब्लम मेरा चैनल है मैं जिस तरह मर्जी तीनों तू इकट्ठे खाने कपकेक दो भाई कपकेक किसको लेना और मेरा तो मेरे बंदे ना पैक कर दे दो हिस्से अम्मी की और छल्ली की हो रही है लड़ाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फैमिली फन इन मरियम किचन में आप सबको खुश आमदी हम बस इसी के घर में आ चुकी हूँ और देखते हैं सबसे पहले मुलाकात किससे होती है अस्सलामुअलैकुम हैप्पी बारबेक्यू लेकिन सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई है हाजरा से और नबील से और यहाँ पे आपको पता चल चुका होगा कि अंबरसर के घर हम सब क्यों इकट्ठे हो रहे हैं आज ये अंबरसर के घर है बारबेक्यू सबसे पहले जी अंबरसर के घर का जायज़ा मैंने लिया है बैक यार्ड का और मैं देख रही थी कि बैक यार्ड में बारबेक्यू का किस तरह का इंतजाम जो है वो किया गया है और कौन कौन यहाँ पर आ चुका है अच्छा जी यहाँ पे मैं तो आ चुकी हूँ मेरे से पहले अम्मी तशरीफ़ जो है वो ला चुकी हैं अपनी फैमिली के साथ अच्छा जी अभी मैं घूम फिर के देखती हूँ कि बारबेक्यू में क्या क्या चीज़ें ये हमारे लिए बना रहे हैं और किस तरह से हमारी हाथर तवाजो जो है करेंगे अपने इस प्यारे से व्लॉग का आगाज़ करते हैं अपनी इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व इमान में रखे दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ़ मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हम सबकी हिफाजत फरमाए आमीन सुम आमीन यहाँ पे जी माशाल्लाह से ग्रिल तैयार है कोलों के ऊपर आज ये बारबेक्यू करेंगे अंबर के पास गैस वाली ग्रिल भी है लेकिन आज सबकी फरमाइश पे कोलों पे ये जो है ना बारबेक्यू तैयार करेंगे टेबल चेयर यहाँ पे लग चुकी है जी माशाल्लाह मेहमानों के लिए तकरीबन यहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप जो है वो कर चुके हैं लेकिन मेहमान अभी बहुत सारे आने वाले बाकी हैं और मौसम भी थोड़ा सा अभी गर्म है अभी धूप है तो जैसे यहाँ पे शाम होगी सूरज ढलेगा मेहमान भी आना शुरू हो जाएंगे और बारबेक्यू को भी बनाना शुरू कर देंगे मैं अब अंदर जा कर देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है हेलो टू मच धूप आउटसाइड वी आर बर्निंग धूप में वैसे शक्ल बहुत अच्छी आती है इंसान की क्या चीज़ शक्ल बहुत अच्छी आती है धूप में मैं कहा चेहरा बड़ा चमक चमक वाला आता है क्या हाल है सुपर लॉन्ग टाइम वी डोंट सी यू व्हाट हैपेंड वेयर आर यू वेयर आर यू वेयर आर मी यस आई एम ऑलमोस्ट डाई यस्टरडे ओह माय गॉड यू डोंट नो आई नो मैं आई हर्ड लेवन आके आप लेट हो गए रेलों ने तो मुझे ढाई कर दिया ये तो मेरी रूह आ गई है इधर सुंबल माशाल्लाह यहाँ पे जी सबसे पहले सुंबल बेटी से हमारी मुलाकात हुई है और काफ़ी दिनों के बाद माशाल्लाह से हुई है यहाँ पे लिविंग में मैं देख रही हूँ कि कौन कौन आया तो यहाँ पे जी भाभी और अम्मी जो है वो आ चुकी हैं काफ़ी सारे मेहमान अभी आने हैं माशाल्लाह से और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग आ भी रहे हैं तो यहाँ पे जी आपके साथ लगाते हैं थोड़ी सी गपशप और फैमिली के साथ भी थोड़ा सा करते हैं हंसी मजाक अच्छा जी इस समर में अंबर सिस्टर के घर हमने काफ़ी टाइम बारबेक्यू जो है वो किया है लेकिन व्लॉग मैंने बस एक का ही बनाया क्योंकि एक ही तरह का बारबेक्यू एक ही तरह के माशरे से लोग और एक ही तरह का खाना पीना तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना अच्छी बात नहीं है और मैंने चाहती कि व्यूअर्स जो है वो बोर हो जाएँ एक ही चीज़ को देख देख के वैसे हम सब फैमिली मेम्बर्स जब भी गेट टुगेदर होते हैं हम कभी भी बोर होते नहीं हैं और ना किसी को बोर होने देते हैं और ख़ासतौर पर जब मरियम किसी गैदरिंग में हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी शख्स जो है वो बोर हो
क्योंकि मेरा तो फेवरेट हॉबी यही है सबको हंसाना। यहाँ पे जी माशाल्लाह से सुंबल की अम्मी अबू उसके भाई जो हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं और सब लोग जी यहाँ पे मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आई थिंक सबकी मुलाकात हुई है। और सुंबल की अम्मी माशा से अल्लाह इनको जिनकी तंदुरुस्ती से अता फरमाए, जब भी आती हैं हमारे घर या अंबर के घर किसी के घर तो ज़रूर कोई ना कोई अपने हाथ की फेवरेट टेस्टी डिश जो है वो बना के लाती हैं लाजमी। तो मुझे जहाँ तक याद है ये शायद लेके आई थी नहारी पका के, क्योंकि नहारी ये बहुत अच्छी बनाती हैं। और माशाल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आगे भी जब भी हमारे घर ये आएंगी या किसी के घर भी जाएंगी कुछ ना कुछ अपने हाथ का ज़रूर बना के लाएंगी। याद कुछ इसलिए नहीं है कि व्लॉग को बनाए काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन इसकी जो एडिटिंग है वो मैं अब कर रही हूँ और वीडियो अपलोड जो है वो इसके बाद होगी, तो इसलिए कुछ थोड़ा सा याद नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर याद है कि कुछ ना कुछ पका के जब भी आती हैं लेके ज़रूर आती हैं माशाल्लाह से। कोयलों को जी यहाँ पे आग लग चुकी है और आप देख सकते हैं कि आग किस तरह पक रही है और यहाँ पे बारबेक्यू जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमेशा की तरह जी बारबेक्यू को मसाला अशरफ भाई ने लगाया था और माशर से बहुत ही अच्छा मसाला लगाया था, बारबेक्यू बहुत टेस्टी था और माशर से बनाया भी अशरफ भाई ने, बल्कि सब ने मिल के ही बारबेक्यू तैयार किया था। बारबेक्यू में जी बीफ के टिक्के थे, बीफ की चांपें थी, चिकन लेग्स थे, कीमे की टिक्कियाँ थी जो हमने बर्गर बना के बच्चों को भी और खुद भी खाए जो बहुत ही टेस्टी बने थे। साथ अंबर से उसने बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्टी किस्म का सलाद जो है वो बनाया था और आई थिंक चने थे, तरबूज था, आम था और बहुत कुछ था जो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं ये सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लग रही थी बल्कि खाने में भी लाजवाब थी। जो लोग मुझे न्यूयॉर्क में देख और सुन रहे हैं उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अशरफ भाई के ग्रोसरी स्टोर पे ज़रूर जाएं जिसका नाम है रहीम ग्रोसरी स्टोर। तमाम किस्म की ग्रोसरी आपको वहाँ से मिल जाएगी और समर में अगर आपका दिल है बारबेक्यू खाने को अच्छे वाला टेस्टी वाला तो आपने अशरफ भाई के हाथ का लगा हुआ मसाला बारबेक्यू ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन आप उस बारबेक्यू को मुद्दतों जो हैं वो याद रखें, एक दफ़ा आपने ज़रूर आजमाना है और लाजमी बारबेक्यू खाना है। जी तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे आई थी मैं और इन्होंने जो है कि ग्रिल वगैरह अभी ऑन नहीं की हुई थी तो सुबह से किया हुआ हमने नाश्ता। इन्होंने कहा था जी 5 से 6 के दरम्यान में आप लोगों ने आ जाना है, तो यहाँ पे तकरीबन 7:30 का टाइम हो चुका है और आप देख रहे हैं अभी इन्होंने ग्रिल जो है वो ऑयल है इनको आग लगाई है और अभी इसको ऑयलों को कोलों को आग लगते लगते पकते पकते अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो भूख जो है वो शदीद जो है मुझे लगी हुई है। आप सबसे पहले खाऊंगी बर्गर, मुझे तो बर्गर बहुत पसंद है व्यूअर्स, मैं सबसे पहले खाऊंगी बर्गर, ऊपर लगी और ढेर सारी मेयोनेज़ और चीज़ और सलाद। तो इंशाल्लाह जो चिकन के कबाब के जो बर्गर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बाजार से तो कई गुना ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये भी जी रहीम ग्रोसरी पे ट्रिक है, ऑयलों को अगर अच्छे तरीके से पकाना हो तो ये पंखा लेके आप ऑयलों के ऊपर खड़े हो जाएं, जैसे अशरफ भाई खड़े हैं ये ऑयल पक रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, क्या बात है ज़बरदस्त। अच्छा जी जब तक बारबेक्यू तैयार होता है, क्योंकि बारबेक्यू को तैयार होने में ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक अम्बेसडर ने जो हल्का फुल्का स्नैक बनाया है सब लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं क्योंकि भूख अब सबको बहुत शदीद लगी हुई थी तो थोड़ा सा स्नैक खाते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसरा हो जाए। अच्छा जी यहाँ पर अम्बेसडर ने जो कीमे वाली टिक्कियाँ बनाई थी इसमें बीफ का कीमा भी मिक्स किया हुआ था तो इसको थोड़ा सा कच्चा पका तवे के ऊपर या थिंक फ्राई पैन पर उन्होंने रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर ग्रिल के ऊपर इसको लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा टाइम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देंगे और उसके बाद इसके बर्गर जो है बनाएंगे और सबको सर्व करेंगे। माशा से अशरफ भाई ने बहुत ढेर सारे बारबेक्यू को मसाला जो है वो लगाया था, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेस थी, मेहमान जो थे वो इतने नहीं थे सिर्फ घर के ही फैमिली मेम्बर थे। और माशाल्लाह से बारबेक्यू जब आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी और हम यकीनन बहुत ज़्यादा बारबेक्यू खाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इतना ढेर सारा मीट देख के वैसे ही पेट जो है भर जाता है। और शुरू में आप लोग जब सैंडविच और सलाद और दूसरी चीज़ें खा लेते हैं स्नैक टाइप की तो आधा पेट तो आपका वैसे ही भर जाता है, तो इसलिए बारबेक्यू बहुत ज़्यादा बच गया था, इतना ज़्यादा माशाल्लाह से खाया नहीं गया। हालांकि भूख सबको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी लेकिन बारबेक्यू उतना नहीं खाया गया जितना कि माशाल्लाह से अशरफ भाई ने तैयार किया था। लेकिन माशाल्लाह से जी मैंने जी भर के भी खाया और पेट भर के भी खाया, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। खासतौर पर मुझे बर्गर जो अंबर ने बनाए थे बहुत ही मुझे टेस्टी लगे और मैं तो खाने पीने की वैसे ही बहुत शौकीन हूँ और जो मिल जाए अल्लाह की सब नेमतें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मुझे और सबको नज़र बद से बचाए और इस पूरे व्लॉग में माशा से आप मुझे खाता पीता देखते रहेंगे। पर आप इतनी ऊपर चढ़ के बर्गर क्यों बना रही? मैं ऊपर नहीं चढ़ी, आप नीचे। और
बड़ी बर्गर ढेर सारी मेयोनेज दोवां साइडां ते चंगी तरह नुचड़दी होवे मेयोनेज थले तक ते लैटस टमाटर ते ओनियन। फाइनली जी वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतज़ार मुझे नहीं सबको था। अंबेसडर से यहाँ पे जी अब सैंडविच है वो तैयार करने लगी है और जैसे जैसे सैंडविच तैयार होंगे सबको तकसीम करेंगे। मैंने जोड़ ला थोड़ी मैंने ज़्यादा तो मज़ा है। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है, मुझे तो मेयोनेज़ और केचप बर्गर के ऊपर ढेर सारी जब तक ना लगी हो बर्गर का मज़ा नहीं आता। ये देखें गाइस, गाइस ये अब ये ना अंबेसडर की स्पीड देखें जी आप माशाल्लाह से बर्गर बनाने में और बर्गर जलाने में। अब पता नहीं जले हुए बर्गर अपनी मोहब्बत में खिला रही है या कोई बहुत पुराना बदला हमसे ले रही है जले हुए बर्गर हमको खिला के। जी तो गाइस यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं अंबर स्पीटो में जो है बर्गर ड्रेस कर रही है और बर्गर जो बस अब लगने शुरू हो चुके हैं। तो जैसे ही क्राउड आना शुरू होता है, बल्कि आ चुका है क्राउड, तो फटाफट ये बर्गर हाथों हाथ जाने हैं क्योंकि बर्गर यहाँ पे सबके बहुत फेवरेट है और मेरे जैसा बंदा चार बर्गर जो आसानी से खा लेता है। अगर बच गए तो दो तीन मतलब मैं खा भी जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो सुबह नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ दुनिया में है जो आपको नहीं अच्छी लगती? खाने पीने की मुझे सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खा लेती हूँ, सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का बड़ा शौक है खाना चाहिए, जो लेकिन अल्लाह ने नेमतें बनाई हैं उनपे कंट्रोल करके सब चीज़ें खा लेती हूँ आराम छोड़ के, सब खा लेती हूँ। कबाब देखें आप आ चुके हैं ज़बरदस्त गर्म गर्म कबाब, ये देख सकते हैं आप कबाब मिक्स मिक्स लग रहा है चिकन नहीं। बर्गरों का सब लोग बड़ा ही बेचैनी और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बर्गरों को टेबल के ऊपर प्लेट में सजा के रखा गया तो सब लोग हैरान परेशान हो गए और सोचने लगे कि सबसे पहले अब कौन उठाए, क्योंकि दो जले हुए थे और दो सही थे। लेकिन माशाल्लाह से हमने कहा कि सोची प्या ते बंदा गया, तो मैं उन्होंने कहा कि जले हुए तुसी पहले खाने ने क्योंकि जले हुए दूसरे नालों ज़्यादा टेस्टी ने, तो ऐसे लिए पहले उ खाने ने। यहाँ पे जी हादिया ले आई है वाटरमेलन काट के और वाटरमेलन माशा से इतना खूबसूरत लग रहा था देखने में, हाली देखने में ही खूबसूरत नहीं लग रहा था, खाने में भी बहुत टेस्टी था, कलर इतना प्यारा लग रहा था और बहुत ज़्यादा जूसी था और टेस्टी था। और ये आप मेरी खानियाँ देख सकते हैं वाटरमेलन को, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे वाटरमेलन कितना अच्छा लगा और मैंने पूरे बारबेक्यू में जितना वाटरमेलन खाया है और कुछ भी शायद इतना नहीं खाया। बर्गर कैसे बने हैं? सब लोग जी बारबेक्यू को कर रहे हैं एंजॉय और सबसे मैंने बारी बारी पूछा भी कि सबको बारबेक्यू मास्टर से कैसा लगा। यहाँ पे जी अब आ गई है बर्गर बेचारे की बारी, बर्गर चढ़ गया जी मेरे हाथे और बर्गर की और मेरी जी अब शुरू हो चुकी है जंग। मैंने जी माशाल्लाह से सारा कुछ ही ट्राई किया, चाहे थोड़ा किया चाहे ज़्यादा किया, लेकिन माशाल्लाह से मैंने सब कुछ खाया और खाया इतना कि माशाल्लाह से उसके बाद मैं आपको क्या बताऊं कि बस मैं चली और पागल ही हो गई थी। और बाद में मैं सोच रही थी कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो मैं कहूँ कि नहीं यार ये मैंने नहीं खानी, बस अब मेरा पेट भर गया। माशाल्लाह से मैंने सारी चीज़ों को खूब इंजॉय किया। बल्कि वापसी पे आते हुए घर अंबेसडर से मैंने बारबेक्यू जो बच गया था वो भी थोड़ा सा मैं लेके आई। मैंने कहा कल मैं इंशाल्लाह दोपहर को फ्राई ओवन में इसको दोबारा से बनाऊंगी और फिर से इसको खूब इंजॉय करके खाऊंगी। अल्लाह की ज़ात के मैं सदके और कुर्बान जाऊँ जिसने इतनी खूबसूरत नेमतें हमें अता की है। अल्लाह से दुआ है कि इस नेमतों को हमारे लिए शफा तंदुरुस्ती और सेहत बना दें, आमीन सुम्मा आमीन। खाना खाते हुए जब मुझे कोई गौर से देखता है या मुझे जब कोई टोकता है ना तो मेरी भूख जो है ना कम होने के बजाय मज़ीद और भर जाती है, जो कि मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। खाते पीते जब ये लोग मुझे देखते हैं ना तो मुझे टोकते हैं तो मेरी तबीयत फिर थोड़ी सी नसाज जो है ना होना शुरू हो जाती है।
जो मेरी सेहत के लिए अच्छी नहीं। बर्गर तो बाद तरबूज खा ली कुछ होएगा नहीं, फिर तरबूज तो फिर बर्गर खाना सही रहा। साथ साथ मैं अपनी अम्मी से भी टिप्स ले रही थी खाने की कि क्या खाऊं जो मेरे लिए अच्छा है और क्या मेरे लिए नहीं अच्छा। तो व्यूअर्स आप भी समझते होंगे कि पता नहीं वाकई मैं इतना खाती हूं, तो व्यूअर्स ऐसी कोई बात नहीं है। यकीनन खाने पीने की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूं, लेकिन व्यूअर्स इतना भी नहीं खाती जितना आप देख रहे हैं या जितना मैं बता रही हूं। वैसे वो कहावत है ना, बद से बदनाम बुरा। बर्गर एक बहुत है कि और बना दें कि नहीं? उची बोल बेटा, कोई ऐसी परेशानी नहीं गल दी। तरबूज खाना फिर गर्म नहीं है। ओहो तरबूज तो एंड में खांसी मां जी रो पेट भर जांदा। हां तरबूज तो एंड ही खाईदा मां जी। नहीं पेट जो पेट भर जाए करेगा पानी है ए ते एंड ही खाना चाहिदा जो सारा कुछ खा लो तुसी। ए पढ़ना मैं क्या ओथे रखो सोडा। हां तो वैसे ऐसी जा अगो तेरी मर्जी। सबूर की तरह सबूर ने मन्नू क्या नहीं तू खा ला उने कप भी मत दे। अभी लिया अभी और की चीज बनाई थी खाना से। तो व्यूअर्स मैं ये कह रही थी कि ऐसी कोई बात नहीं खाने पीने का, ये सिर्फ मैं शुगर मेला लगाती हूँ, सबको हंसाती हूँ। और दस्तरखान पे जो भी चीज़ें पड़ी थी कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ज़रूर ट्राई करूँ, क्योंकि ये भी सुन्नत है। आपको दस्तरखान पे जो भी अल्लाह की नेमत नज़र आए उसको ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। स्टिल यहाँ पे जी बारबेक्यू भी चल रहा है और बर्गर जो है वो मुसलसल बनाए जा रहे हैं अंबर सिस्टर मास्टर से, कीप मेकिंग बर्गर। क्योंकि जैसे जैसे सब लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से एक एक करके या दो दो करके, तो सबके लिए गरम गरम बर्गर जो है वो अंबर तैयार कर रही है। लें जी प्यारे व्यूज, अब मैं फिर आ गई हूँ तरबूज के बाद। मैंने अंबर से कहा था मुझे एक बर्गर फिर ताज़ा सा गरम गरम सा बना देना, तो अंबर से ने मुझे बना दिया, तो अब मैं बर्गर फिर खाने लगी हूँ। और बस ये जब हम गेट टुगेदर होते हैं तो ऐसे ही बस मैं शुगर मेला लगाती रहती हूँ सबको हंसाने के लिए, खुद भी हंसने के लिए। बस खाने पीने की मेरी कोई रूटीन नहीं है, बस जो हाथ में आता है मैं खा लेती हूँ। इतना डीपली मैं सोचती नहीं हूँ कि क्या चीज़ मुझे पहले खानी चाहिए और क्या बाद में, बस जो हाथ में आता है जो मुझे अच्छा लगता है वो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं खा लेती हूँ। और मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि इस पूरे व्लॉग में मैं ही आपको नजर आऊंगी कुछ ना कुछ खाती पीती एंड तक, क्योंकि व्लॉग भी मेरा और चैनल भी मेरा। सब जी यहाँ पे माशा से फुल हो चुके थे, सब कह रहे थे जी अब हमारा पेट भर गया है, अब मजीद हम नहीं खा सकते। अच्छा उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी हमारे घर बारबेक्यू बनता है सबसे पहले हम बर्गर बनाते हैं, सैंडविच साथ सलाद होता है, दही पकौड़ियाँ होती हैं और तरबूज होता है, थोड़ा बहुत स्नैक होता है वो हम पहले खा लेते हैं। उसके बाद हम चिकन तैयार करते हैं, चिकन टिक्का चिकन लेग, ये तैयार करने के बाद फिर बीफ जो है ना वो तैयार होता है। तो यहाँ पे बीफ के टिक्के अशोक भाई ने तैयार किए हैं, बनाए हैं माशा से, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही ज़बरदस्त मसाला जो अशोक भाई ने लगाया हुआ था। इसलिए सब लोगों के टाइम से पहले और चीज़ें ख़त्म होने से पहले पेट सबके भर चुके थे, सब यहाँ पे माशा से फुल हो चुके थे, पुरबाश हो चुके थे, खा पी के रिलैक्स कर रहे थे। ये देखिए जी माशा से बारबेक्यू अभी बहुत ज़्यादा मज़ीद पड़ा हुआ है पकाने के लिए और खाने के लिए। मौसम यहाँ पे जी बहुत अच्छा हो चुका था, सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता से ढल रहा था और थोड़ी देर में अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डार्क हो जाएगा। अंबर सिस्टर जी माशा से साथ साथ खा रही थी, बल्कि खा कम रही थी, साथ साथ गैराज को और साफ़ कर रही थी, गार्बेज को उठा रही थी। बच्चा पार्टी यहाँ पर जी माशा से खा रहे हैं, बच्चों ने माशा से थोड़ा सा खेला और खेलने के बाद थक गए और इनको फिर भूख लग गई, तो यहाँ पर जी दोबारा से बच्चों की शिफ्ट जो है वो चल रही है खाने पीने की। अशोक भाई जी स्टिल बारबेक्यू बना रहे हैं और अब जो बारबेक्यू बन रहा है वो अशोक भाई के स्टोर पे जाना है, जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं अशोक भाई उनके लिए बारबेक्यू की ट्रे जो है वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी यहाँ पे बारबेक्यू के साथ साथ माशा से अब्दुलरहीम की आज बर्थडे भी सेलिब्रेट हम लोग करेंगे, सब गेट टुगेदर हम इसीलिए हुए हैं कि 2-in-1 बारबेक्यू भी खाएं और साथ अब्दुलरहीम की बर्थडे जो है वो भी हम सब लोग मिलके सेलिब्रेट करें। लें जी गाइस यहाँ पे सूरज जो है ढल चुका है, मगरिब का टाइम जो हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डार्क होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी स्टिल हम लोग बारबेक्यू जो है कर रहे हैं। और बारबेक्यू माशा से बहुत ज़्यादा अच्छे, मैंने मसाला लगाया था लेकिन खाया इतना नहीं गया, शायद सब लोग खा के आए थे या पता नहीं तकल्लुफ कर रहे हैं, शर्म कर रहे हैं। बहरहाल ये कि जाते हुए हम अपना हिस्सा जो साथ कच्चा ले जाएंगे, तो कल फिर इंशाल्लाह हम अपने घर खुद बनाएंगे और
खाएंगे। तुमने क्या कह दिया, मेरे दिल को तुमने चीर दिया, मेरे दिल पे तुमने छुरियां चला दी है। ये चीज क्या है, ये कैसे तुमने कहा? अच्छा भाई, ऐसा हो सकता है कि मैं आपके घर से कुछ लेके ना जाऊँ टू गो चीजें? ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी ये नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये गाइस छुरियां चलाई है। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, मेरे चेहरे पे जो है ना चमक आती जा रही है, आप देख सकते हैं। चांद निकल गया गली में, आज चांद निकला, क्या बात है, ये क्या बात है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देगी चिकन डालू में। बस जी, अब बारबेक्यू इख्तिताम पज़ीर है। थोड़ी ही देर के बाद बारबेक्यू जो है वो माशा से पैकअप कर दिया जाएगा, और यहाँ पे अब थोड़ी ही देर में अब्दुल हिम की बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, उसके प्यारे से मोमेंट्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अंबर सिस्टर ने कहा जी बारबेक्यू भी खाओ तो वसूली भी दे जाओ। अंबर सिस्टर बड़ी तू ऐसे आनी, ऐसे ली मैन हो रही है बड़ी ज़्यादा हैरानी। अच्छा तो व्यूअर्स, जब भी मुझे थोड़ी सी मजाहिया किस्म के शेरों की आमद होती है तो वो मैं इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पे जी अब सब फैमिली मेम्बर आपस में लगा रहे हैं गपशप, और खाने को थोड़ी सी दी है ब्रेक, लेकिन खाना पीना हम साथ साथ खाते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि जब तक टेबल के ऊपर खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं थोड़ी थोड़ी सी हम लोग खाते पीते जा रहे हैं। और यहाँ पे बीफ की स्टिक्स तो हमने अभी तक खाई नहीं है, जो कि अशर भाई अभी तैयार कर रहे हैं। अली दूर रख, ले जी यहाँ पे अब्दुल रहीम की बर्थडे का केक नहीं बल्कि काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर्स के कप केक जो हैं वो अब्दुल रहीम ने अपनी बर्थडे पे काटे हैं। और आजकल मुझे लगता है यही ट्रेंड चल रहा है, बल्कि ये बेस्ट है क्योंकि इससे जो है ना मीठा कोई भी फूड जो है वो ज़ाया नहीं होता, और सबसे बड़ी बात बच्चे अपनी फ्लेवर्स के जो है ना वो पेस्ट्री या कप केक जो होते हैं ना वो मंगवा लेते हैं और फिर उसी को केक समझ के काट लेते हैं और सब अपनी अपनी मर्ज़ी के फ्लेवर जो है ना वो खा लेते हैं, इससे फूड जो है वो ज़ाया नहीं होता। तो यहाँ पे जी बर्थडे का कपकेक कट चुका है, और बर्थडे को चार चांद लगाने के लिए यहाँ पे जी हमने अब्दुल रहीम के लिए थोड़ी सी फुल जड़ियाँ जो है ना वो भी हमने जलाई थी, ताकि अब्दुल रहीम ज़रा खुश हो जाए, क्योंकि इसकी स्वीट 17 है बर्थडे माशाल्लाह से। तो अब्दुल रहीम हैप्पी बर्थडे स्वीट 17। बारबेक्यू माशा से इतना सबने पेट भर के खा लिया था कि मीठे खाने की तलब बड़ों में से किसी की भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। बच्चों ने माशाल्लाह से अपना फेवरेट कपकेक जो है वो खाया। अम्मी की और छल्ले की हो रही है लड़ाई। और अभी एक आइटम तो रह गई है माशा से, अशरफ भाई ने छलियाँ भी बाद में ग्रिल के ऊपर बनाई थी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई थी, और बड़ा ही स्मोकी किस्म का फ्लेवर जो है वो छलियों का आया था। आप देख सकते हैं कि अम्मी माशा से किस तरीके से इन्जॉय करके छली खा रही हैं। अम्मी छली खा रही हैं तो अम्मी की बेटी कहाँ पीछे रह सकती है। मैंने भी अशरफ भाई से छली ली है और अम्मी के साथ बैठ के छली खा रही हूँ, और इतने शौक से खा रही हूँ कि छली का नाम ही मुझे भूल गया। पढ़ दिया, पढ़ दे, छिट्टी पढ़ो, छिट अम्मी छिट्टी आ छिट्टी छिट्टा जा रहे हैं सब, पढ़ो अगर अंदर में छिट्टी। अच्छा बच्चे, ये आपके गिफ्ट भी पड़े हैं इधर, इतना नंबर है ना, मैं नहीं खाता काफी, मेरा दिल करता है कि ना मैं दे रही हूं मेरी जान, फ्लेवर दूजा लाचे वाला फ्लेवर नहीं आ गया, और मेरा बंदा है तो एक मेरा पा दे, एक मेरे बंदे का एक मेरा, मामी को लल्ला सवाल नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे हमें देखा छली कितनी, मुझे एक्साइटमेंट है कि छली का नाम ही मेरे से प्रोनाउंस नहीं सही हो रहा, तो सब लोग जो है मेरा मजाक बना रहे हैं, मैं खुद भी अपने जो है ना मजाक पे खुद भी बहुत ज़्यादा हंस रही हूँ। कप केक खाने की जी मेरी बिल्कुल तलब नहीं थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खा चुकी थी, और जो चीज़ मैं ना खाऊं वो जाते हुए मैं घर साथ लाजमी लेके जाती हूँ। मरियम ना मैंने कैमरा सामने मरियम सिट्टा खा रही, तीनों की मेरा चैनल है, मैं ये वो तीन छलियाँ जो मैं घर लेके जाऊंगी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि इन लोगों ने मुझे खाने ही नहीं दी, नजर लगा दी जी ए खाती पी ए खाती पी। मरियम
ਦਰੀਮ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਹੋਇਆ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਪਾ ਲਿਆ ਆ ਪੈਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ये जी अंबर सिस्टर की हमारी हल्की हल्की नोक चोक चलती रहती है। यहाँ पे जी अब अब्दुल रहीम को सब लोग गिफ्ट देंगे मेरे समेत। मेरा बैग फट के लिया उधरों अपना दे दे हाजरा। अच्छा मैं तुम्हें नहीं मैं तुम्हें मशीन से पंखा ऑर्डर कर दूंगा। माशाल्लाह हैप्पी बर्थडे भाभी हैप्पी बर्थडे अब्दुल रहीम थैंक यू। She got me a black watch. Athe gaahe gungli pakad ke bhaiya ne mujhe chalaya citizen ye wala bhi hai baat very kya main aan kitne 16 thi na 17 haan lekin maine kaha sweet 16 hai sweet 16 plus this is the code wow फाइनली जी टाइम आ गया है सबका अपने अपने घर जाने का और यहाँ पे सब एक दूसरे को कर रहे हैं खुदा हाफिज़। इसके साथ हम भी अपने व्लॉग का करते हैं इख्तिताम। उम्मीद है कि आज का बारबेक्यू का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी किसी अच्छी रेसिपी या ब्लॉग में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।